वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप सभी आई होप अच्छे होंगे। तो आज करते हैं हम अपनी बाइक में एक न्यू मॉडिफिकेशन, जो ये मॉडिफिकेशन है अब तक फर्स्ट एवर इंडिया में होगी जो हम करेंगे। आपने अभी देखा होगा हाल ही में एक जॉन टियर बाइक लॉन्च हुई थी, तो उसका मेरे को बैक से बहुत ज़्यादा लुक उसकी अच्छी लगी। तो मैंने भी कुछ प्लान किया कि अपनी बाइक में कुछ इस तरीके का करता है, और मेरे को अपनी बाइक इंडिया की फर्स्ट ऐसी लोडेड बाइक बनानी है कि सब देखते ही रह जाए। जब तक अपनी निंजा 10R नहीं आती तो तब तक इसी को 10R बनाते हैं, तो ऐसे ही स्पोर्ट बनाए रखना। तो चलिए चलते हैं सुलेमान भाई की शॉप पे, वहीं पे जाके इसको ओपन करते हैं और इसको फिक्स वगैरह करते हैं, देखते हैं कैसे क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सुलेमान भाई के पास। ये खड़ी अपनी बाइक, अब करते हैं इसकी खुलाई। तो बैक सीट रिमूव कर दी है, अब इसके कर रहे हैं यहाँ से प्लेट, क्योंकि हम इसी को यहीं पर माउंट करने का प्लान है। वही नट बोल्ट ना खो अपने, बाद में तो इसी के पैसे मांगागा, गिर गए थे जी वे। तो इसको प्रॉपर रिमूव कर लेते हैं। चलो उस तरीके से करती है अपने ओपन, कुछ लुक आएगी कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं काफी शार्प हो जाएगी साइड से, और सारा जो भी इसका मैकेनिज्म हम इसको कर देंगे यहाँ पे माउंट। तो यहीं पे हो जाएगी, कुछ अलग ही हो जाएगा यहाँ से। और जो ये दिख रहा है इसको भी अभी कुछ टाइम के बाद रिमूव कर देंगे, अभी कर देंगे इसको भी रिमूव यहाँ से। तो फिर ये इतना गैप ऐसे रहेगा कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमने मेजरमेंट कर लिया, ये लगा दिए दो निशान यहाँ से, ये सेंटर में है। तो यहीं से अपा इसको कुछ इस तरीके से माउंट कर देंगे यहाँ पर, और बाद में लगाएंगे इसमें नंबर प्लेट वगैरह, और इसकी वायरिंग वगैरह कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ ने वायरिंग ना जाए और कुछ पता ना लगे कि वायरिंग हुई भी है नहीं हुई है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं अब इसमें। तो गाइस यही प्रॉपर हमने रिमूव कर लिया, क्योंकि अंदर से इसमें नट बोल्ट बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो बस अब इसको खोल के प्रॉपर यहीं पर कर देते, और देखिए गाइस बाइक की लुक कैसी आ रही है अब। वैसे अगर हम यहीं पर नंबर प्लेट माउंट करें ये भी देखते हैं। तो फाइनली लुक कुछ इस तरीके की आ रही है अपनी गाड़ी की, और सुलेमान कर रहे हैं भाई तारिंग की, सोच रहे कैसे वायरिंग कुछ इस तरीके के करेंगे कि यहाँ से ना जाए, ताकि पता ना लगे कि वायरिंग कहाँ से जा रही है, कुछ इस तरीके का करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ मैं ग्राफिक्स वगैरह कुछ है प्लान, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह करा देंगे इस चीज़ पर, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सी लगेगी, तो वो चीज़ भी अभी करा देंगे आज। तो कराते हैं अभी इसका, करते हैं वायरिंग वगैरह का। तो कुछ इस तरीके से हो रही है अभी इसमें वायरिंग वगैरह, और ये मेरे को ना नंबर प्लेट टेढ़ी सी लग रही थोड़ी सी। बाइक सीधी करके चलो एक बार देख लेंगे, नहीं बाइक सीधी करके देख लेंगे, इधर से झुक रही ना कि सीधी करके, तब पता लगेगा क्या होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और यहाँ ने जा रही है कुछ इस तरीके की वायरिंग, हम करेंगे इसमें अंडरग्राउंड यहाँ ने ले जाके वायरिंग यहाँ से सीधा ऊपर ने कुछ इस साइड पे। और जो मैकेनिज्म मैंने बनाया था पहले कि जिससे चार इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करे, वो अब यहाँ से जॉइंट करके कुछ इस तरीके से इसी सीट में कर देंगे यहीं पे, ताकि यहीं से हम उसको ऑपरेट कर सके। ये भी चीज़ कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वायरिंग आपको कहाँ कहाँ पर ऐड करनी है। तो कुछ इस तरीके की है हमने वायरिंग, यहाँ से वायरिंग करके ना ये जो अंडरग्राउंड ये जा रही है, जैसे हमने पूरी चारों वायरिंग करके ना उसके ऊपर टेप मार दिया, और अंदर ने यहाँ ने इस करके निकाल रहे हैं ताकि टायर वगैरह पे ना टच हो। तो इसको साइड का ये खोल के इस फ्रेम को कुछ इस तरीके का, अगर आप देख पा रहे हो ये देखो, इसको खोल के यहाँ से इसको प्रॉपर कर देंगे माउंट। तो यहाँ से ये अंदर को हो जाएगा, और इस पर डस्ट वगैरह धूल मिट्टी मतलब कमी जाएगी, और मतलब है तो वायर है तो पानी वगैरह भी कमी लगेगा, प्रॉपर इस तरीके का हो जाएगा कुछ। तो ये है, तो चलिए इसको भी प्रॉपर यहाँ से करके वहाँ लग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे करेंगे इसके कनेक्शन वगैरह सब कुछ। तो कुछ इस तरीके के इसका तारों का जाल भी चुका है प्रॉपर, तो यहाँ से अब इसके करेंगे चेक कर करके कि भी कौन सा कहाँ पे ऑन हो रहा है, तो वहीं पे करके उसको कर देंगे फिक्स। बाद में जो ये दो हेडलाइट की दी हुई हैं, तो इसको भी नहीं मैं कहीं माउंट करके इससे प्रॉपर कर देंगे। और लुक देखिएगा इस कुछ इस तरीके की आ रही है अभी बस ये बेसिक, और यहाँ पर भी कुछ ग्राफिक्स वगैरह करा लेंगे कुछ जुगाड़बाजी, तो वो भी अभी कराते हैं बस, उसके बाद फिर चलते हैं। पहले तो यहाँ से करा के इसको वॉश करा के फिर निकलेंगे ग्राफिक्स वाले के पास। तो चलिए इसको जल्दी यहाँ पे जल्दी फिक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से किए हैं अपन ने कनेक्शन, ये देख सकते हैं, और यहाँ से एक मैंने बनाया ये जुगाड़, इससे चार इंडिकेटर एक दो क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से प्रॉपर कर देते हैं। और अब जो इसका ये पोर्शन है इसको प्रॉपर सील कर देंगे यहाँ से, ताकि अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, तो इस चीज़ को भी प्रॉपर ही बंद कर देंगे कुछ करके जुगाड़। इस चीज़ का भी करते हैं, तो यहाँ के करके प्रॉपर ही बंद करेंगे इसको। तो गाइस कुछ इस तरीके की थी अपन वायरिंग, ये यहाँ से जाके यहाँ स्पीड में करके कहा ले कि शकल दिखाओ, देख लो वही इसमें कोई शकल तो ये है। और यहाँ ने अपा ने निकाल लिया यहाँ ने वायरिंग जाके, जो इसकी प्रॉपर था यहीं पे सारे कनेक्शन वगैरह करती है, और जो इसका चार इंडिकेटर का था ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया फिर।
इसको साइड में करके यहाँ पे आ गया डन। तब इसके एक बार ना वॉश करा लेते हैं ऊपर से, ताकि मैं नीचे से बाद में सील कराऊंगा तो मिट्टी वगैरह सारा कुछ डस्ट अभी निकल जाएगी, बाद में इसको फिक्स करते हैं। अब हो चुकी है ये वॉश, फाइनली वॉश कराने के बाद देखिए काफ़ी नए जैसी फील आ रही है प्रॉपर। और पीछे से लुक देखिए गाइस, क्या भी सेक्सी लुक आ रही है। तो एक बार इसको पहले नंबर प्लेट को कर लेते हैं माउंट। ये हो चुकी है नंबर प्लेट कुछ इस तरीके से, नहीं गलत बता दिया, खतरनाक तो लगा कि जल्ले। अब देखिए गाइस वो क्या भी ऑसम लग रही है कुछ इस तरीके से। तो बाद में आपको सिनेमैटिक डाल दूंगा मैं इसके, वो देखना। गाइस फाइनली कुछ इस तरीके से मॉडिफाई की है हमने अपनी बाइक, और मॉडिफाई में भी काफ़ी अच्छा लगा और बाइक की लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहाइस होगी और काफ़ी ज़्यादा बल्कि भी हो चुकी है। और इसमें और बिना कुछ मॉडिफिकेशन कराएंगे, मैंने अभी सामान ऑर्डर किया, जब भी आ जाएगा तो मैं इसको इंस्टॉल करा दूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड।